डायबिटीज अपने आप में एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लेकिन यह पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसमें से यह सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सबको प्रभावित करता है। इससे बचने का सीधा तरीका है, यदि आप प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। अर्थात यदि आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आपका कैलोरी भी बर्न होता है, आपका हार्मोनल सिस्टम प्रॉपर काम करता है, इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस होता है जिसके कारण से शुगर लेवल कम रहता है, और बाकी का पूरा सिस्टम अपने आप अलाइनमेंट में आ जाता है। सो यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, साथ ही अपने डाइट को कंट्रोल करते हैं और फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो आप मान के चलिए आपका डायबिटीज आपके किसी भी सिस्टम को आपको परेशान नहीं कर सकता है, और आप डायबिटीज से बहुत सुरक्षित होकर अपने शरीर को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। फिजिकली एक्टिव होने का एक बहुत अच्छा फायदा होता है, आपकी बोन्स और मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है, और बोन्स और मसल्स जब स्ट्रांग होती है तो डायबिटीज के होने के कारण ऑस्टियोपोरोसिस या स्टिफनेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एक्सरसाइज अब जब आप रेगुलर करते हैं तो आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, लिगामेंट की फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहती है, तो डायबिटिक स्टिफनेस नहीं होती है। रेगुलर एक्सरसाइज जब आप करते हैं, रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज जब आप करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके सारे मूवमेंट्स, आप सारे ज्वाइंट्स फ्री रहते हैं, और जो क्लासिकली जो प्रेजेंटेशन डायबिटीज का होता है, ज्वाइंट स्टिफनेस, वह नहीं होती है, खासकर शोल्डर में होता है। सो एक्सरसाइज के सारे मोड, जिसमें हम कहते हैं कि रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, इन तीनों मोड में जब भी हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज आपके ज्वाइंट मोबिलिटी को बना के रखता है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज आपकी स्टिफनेस को रोकता है, और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपके ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है, आर्थराइटिस में काफी मदद करता है। सो बी रेगुलर, अपने एक्सरसाइज की आदत को 25 से 40 साल की उम्र के अंदर बना लें, और इसे रेगुलर बना करते रहें तो आप डायबिटीज से भी सुरक्षित रहेंगे, और डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक डिजीज के कारण दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती है उससे भी बचे रहेंगे। ओबेसिटी या मोटापे को रोकने के लिए भी आपको एक्सरसाइज और डाइट में बहुत अच्छे से कंट्रोल करना होता है। जब आप डाइट बैलेंस रूप में लेते हैं, कैलोरी कंट्रोल में रहते हैं और एक्टिविटी अच्छी रहती है, तो आपका मोटापा भी नहीं बढ़ता। मोटापा और डायबिटीज एक दूसरे के पूरक है। जो इंसान डायबिटिक है मोस्टली वह मोटापे से ग्रसित होता है, जो मोटापे से ग्रसित है वो देर सवेर डायबिटीज से भी ग्रसित होते हैं। सो डायबिटीज से बचने का मूल मंत्र है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और कंट्रोल्ड डाइट। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।